गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो ब्रजराज की बांसुरी की, ब्रजराज की जय, बनवारी की जय, जय सुख सागर नित्य बिहारी की जय, नित्य रास बिहारी गिरधारी की जय। बोलो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देखो उदाहरण यहाँ भी, ये लाभ किसे मिला? पशु योनि में भी जिसने भगवान का चिंतन किया गजेंद्र को भी लाभ मिला। ऐसा नहीं है। और आने वाले समय में देखो किस किस को लाभ मिलने वाला है। एक अजगर पर ही भगवान ने कृपा की है। आने वाले समय में पक्षियों में भी आप जटायु पर देख लीजिए, अभी बकासुर का उद्धार होगा उसमें भी आप देखना, कई उदाहरण ऐसे जिसमें भगवान ने नाना प्रकार से कृपा की है। और देखिए आप, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान ने एक मोहिनी अवतार लिया था, लेकिन ये बताइए भगवान को ऐसी आवश्यकता क्या पड़ गई जो मोहिनी बनना पड़ा, एक स्त्री का रूप बनाना पड़ा। और भगवान ने एक कच्छप अवतार भी लिया, कृपया करके हमें वो परम पावनी कथा सुनाए कि जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया तो कैसा स्वरूप बनाया और किस कारण से यह स्वरूप बनाया। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, एक समय की बात है जब इंद्र बहुत अवमान में रहने लगा, लेकिन एक दिन विचरण करते हुए आ रहा था देवऋषि नारद जी बता रहे हैं इस बात को, बड़ी प्यारी चर्चा थी और भक्तमाल में भी काफी भक्तों का ये चिंतन इसमें रहा है कि भगवान का अनादर प्रसाद का भी कभी नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। कभी भी प्रसाद मिले तो उसको कभी फेंकना नहीं चाहिए, और यदि हो सके, यदि आप बीमार हैं तो भले ही वो प्रसाद कहीं किसी पक्षी को चुंगा दे या कहीं रख दे, लेकिन उसका अनादर कभी ना करें। एक दिन क्या हुआ, इंद्र आ रहा था तो जैसे ही इसने क्या किया, जब देखा दुर्वासा जी को तो दुर्वासा बहुत क्रोधित संत थे, क्रोधी संत थे, पहले से पहले इसने प्रणाम तो किया, लेकिन दुर्वासा जी ने इसको आशीर्वाद दिया तो अपने गले में जो माला थी इसके गले में डाल दी। अब जैसे ही गले में डाली तो एवारा बुकनम उसका जो एक हाथी था एरावत, उस पे ये सवार था, इसने क्या किया उस माला को लेके
ऐसे ही ऐरावत पर अपने हाथी पर डाल दी। हाथी ने क्या किया, उस माला को अपने पैरों से कुचल दिया, तो प्रसाद का अनादर हो गया। जब अनादर हो गया तो दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि जा, तूने एक संत का अपमान किया है, जा तू श्रीहीन हो जा, तू लक्ष्मी आज से तेरा साथ नहीं देगी। उसी दिन से समझो देवताओं के पर अकाल आ गया और दैत्यों ने हमला कर दिया। दैत्य राजा बन गए, उस समय देवता दर दर भटकने लगे। इस कारण से समुद्र मंथन की कथा आई। अब जब भटकने लगे उसके बाद क्या हुआ, भक्तमती मैया ने एक बार कश्यप से कहा कि हमारे पुत्र बड़े परेशान हैं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा विकल्प निकालें। लेकिन अंत में भगवान की कृपा ऐसी प्रेरणा हुई, उन्हें एक ऐसा युक्ति बताई गई कि यदि आप दैत्यों से मिलाप कर लें, दोस्ती कर लें और उनके साथ में यदि समुद्र मंथन करेंगे, तो समुद्र मंथन से जो भी रत्न निकलेंगे उनसे आप फिर आप बलशाली बन जाएंगे। और मंथन यदि आप कर सको तो दैत्यों के साथ ही मंथन करें, तभी आप सफल होंगे। तो एक अहमूसक वत नीति होती है, जिस प्रकार से अहमूसक वत नीति यदि आप प्रयोग करें उसमें एक धोखा दिया जाता है। क्या दिया जाता है, जिस प्रकार से एक सेठ जी ने एक अपना जो बक्सा था उसमें कपड़े प्रेस करके उसमें कपड़े रख दिए, लेकिन उसमें क्या था, पहले से सर्प बैठा हुआ था और अचानक उसमें चूहा भी बैठ गया। लेकिन सेठ जी ने वो बंद कर नहीं पाया था, घूमने चले गए बक्सा, आने के बाद वो बक्सा पुनः दोबारा बंद कर दिया, तो अंदर चूहा और सर्प एक दोनों बॉक्स में बंद हो गए। वो काठ का था, लकड़ी का था। अब जब देखा अब क्या हुआ कि उस चूहा ने निवेदन किया, जैसे ही देखा कि आज तो हम खाए जाएंगे, सर्प हमें खा लेगा, सर्प से निवेदन कहा कि आप तो मेरे रिश्तेदार हो भैया, आज हम पे कृपा करो। कि अच्छा रिश्तेदार कैसे हो गए, सर्प ने कहा कि नहीं आप तो हमारे मामा हो। कि मामा कैसे होते, कि मामा इसलिए हो कि जब हम बिल में रहते पृथ्वी पे रहते हैं तो आप बिल बनाते हो, वो एक हमारा आपका एक रिश्ता है, इसलिए आप मेरे मामा लगे। तो एक मेरे ऊपर एक कृपा करो, कि क्या करो, कि ये कृपा करो कि तुम्हारे जो दांत है बड़े पैने हैं, इससे आप एक रास्ता बना दो, छेद कर दो, जिससे हम बाहर निकल जाएंगे और कोई बात नहीं है, हम आप दोनों निकल जाएंगे। तो चूहे ने कहा कि पक्का वादा है, आप हमें धोखा तो नहीं दोगे, कि नहीं बिल्कुल नहीं। सर्प ने कहा कि बिल्कुल आप काटिए। तो चूहा ने क्या किया, वो जगह बना दी, जैसे ही सर्प निकलना चाहा, निकलने के बाद और तुरंत उसने लोटा मारा, अंदर गया, उसने कहा कि बस आ जाओ, कि क्यों, हमने तो तुम्हारे लिए जगह बनाई थी और तुम मुझे ही खाना चाह रहे हो। कि नहीं वो तो केवल एक रिश्ता बस धोखाधड़ी वाला था। इसी को कहते हैं अहमूसक वत नीति। तो ये नीति किसने अपनाई, देवताओं ने, किसके साथ, दैत्यों से दोस्ती की, राक्षसों से, उनसे जब दोस्ती की, तो दोस्ती करने के बाद वासुकी नाम की एक रस्सी बनाई गई, मंद्राचल पर्वत को लाया गया और समुद्र में उसको स्थापित किया गया और औषधियों का डालना प्रारंभ किया। और जैसे ही देवता पूंछ की तरफ जाते हैं और वो जाते हैं फन की तरफ, वो बोले अरे हम समझ गए, हमें तुम पागल बना रहे हो, मुझको गलत जगह पे आप लगा रहे हो। अच्छा देवता वही है जो सही बात बताए, और दैत्य कौन है जो सही बात को भी गलत समझ ले, तो वो दैत्य है। बोलो राधे राधे। अंत में समुद्र मंथन हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब अंत में जैसे ही मंथन हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, और जैसे ही विष निकला तो हाहाकार पृथ्वी पे होने लगी। अब ये कहे कि हलाहल विष निकला, इसको पान कौन करेगा भाई, कोई धारण करने वाला भी होना चाहिए। जिससे ही कहा जाए देवताओं से कहा जाए, तो देवता बोले भैया मेरे बस की बात नहीं। दैत्यों से कहा जाए कि तुम, ना ना प्रभु हमारे बस की बात नहीं है बिल्कुल।
अब उस विष को हलाहल विष को कोई धारण करने वाला ऐसा नहीं पृथ्वी पे। अंत में देवताओं ने और ऋषि मुनि नारद जी ने कहा कि एक ही इसको पान करने वाले हैं, वो है बाबा भोलेनाथ। जो एक और बात बता दें, एक बाबा भोलेनाथ ही ऐसे देव हैं, महादेव हैं, भगवान हैं, जिन पर मन चाहे जो आप चढ़ा सकते हो। देखो धतूरा लोग चढ़ाते हैं, चिलम चढ़ाते हैं, गांजा चढ़ाते हैं, अफीम चढ़ाते हैं। अच्छा ये बताओ, बाबा भोलेनाथ पे यदि तुम एक किलो सेव चढ़ा दियो तो कभी मना कर दूंगा? कभी मना नहीं करें, लेकिन चढ़ाने का है धतूरू। माताएं बहने भी बड़ी विचित्र है। नहीं नहीं, वही तो प्रसन्न तो हो जाते, प्रसन्न सेव देख नहीं होएगा, जरूर हुए, लेकिन धारणा बना ली बिना की का टेंशन। वे तो धतूरे भांग खाए वाले चढ़ाए, तो धतूरे दो चार। अच्छा एक और बात बता दें, बाबा भोलेनाथ पूरी साल ऐसे ही बैठे रहे, कोई एक जल को लोटा डालने वालों नहीं है, और शिवरात्रि आए तो समझ लो इन्हें निमोनिया हुए। सही बता रहे तुम, देखो फिर श्रद्धा ऐसी टूटती है। और बाबा भोलेनाथ भी बड़े अच्छे ऐसे दयालु हैं, क्योंकि भोले और वाले ज्यादातर प्रसन्न सहजता से यदि हो जाते हैं तो बाबा भोलेनाथ। जिस प्रकार से यमुना के बापार, कौन सा गांव है बोलो? जसूपुरा, खेलावली, जसूपुरा। चलो जसूपुरा मान लो, हमने मान लिया। एक उदाहरण है, यमुना के बापार एक गांव था, वहां का एक भक्त था। उसका एक ही काम था, जैसे अपने भोले बाबा महाराज है, इनका नाम शंकर, शंकर जी का ही अवतार माना जाता है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के कई नाम है। तो जैसे बाबा भोलेनाथ का एक मंदिर था, उस तरफ वो रहता था नदी के उस तरफ। उसका एक ही काम था, डेली नित्य आए के चार डंडे बाबा भोलेनाथ के मारता था, चार डंडे रोज भोले बाबा ने। एक दिन क्या हुआ कि बाढ़ ज्यादा आ गई। जब ज्यादा बाढ़ आ गई तो कुछ लोग चौपिया उस तरफ के थे, वो भी नहीं आ पाए, और भक्त जो पूजा करने वाले आते थे नाव आओ से, वो भी नहीं आ पाए। लेकिन बाढ़ इतनी भयंकर थी कि कोई आता तो डूब जाता, लेकिन वो डंडा जो जो चार मारता था, उसने ये कहा कि हम अपना नियम नहीं छोड़ेंगे, हम आज जरूर डंडा चार मारने जरूर जाएंगे। तो देखो उस पार से वो आया, और आने के बाद बाबा भोलेनाथ के चार डंडा वाले फिर खींच के दिए, सो बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो वो भक्त भगवान की। वो डर गया कि तुम कैसे भाई महाराज कैसे, कि नहीं हम इसलिए प्रकट हो गए और प्रसन्न हो गए कि तूने अपना नियम नहीं तोड़ा। क्यों? और भी कोई हमारे जो भक्त आते थे, जैसे ही जरा सी बाढ़ आ गई तो नहीं आए, लेकिन तू ऐसा भले ही डंडा मुझे मारता, लेकिन नियम से तो डेली आता है, भले ही बाढ़ आ गई फिर भी मुझे डंडा मारने आया। ऐसे बाबा भोलेनाथ थे। एक चोर था, चोर ने देखा चोरी करने के लिए आया बाबा भोलेनाथ के मंदिर में। माने देखी कि ऊपर घंटा है तो चढ़े कैसे, कुछ व्यवस्था है नहीं। बाबा भोलेनाथ के सर पे ही उसने पैर रखा, देखा कि यहाँ कौन देख रहा है, बाबा भोलेनाथ कहाँ जाना है। और बाबा भोलेनाथ के सर पे पैर रख के ही चढ़ के तुरंत घंटा उतारने लगा, भगवान प्रकट हो गए। बाबा भोलेनाथ को जैसे देखा तो भयभीत हो गया। बाबा भोलेनाथ को देख के ये बोला, प्रभु ये बताओ कि आप आज कैसे प्रकट हो गए? हम तो चोरी करने के लिए आए थे। कि हम प्रकट इसलिए हो गए और प्रसन्न इसलिए हो गए कि दुनिया धतूरा फूल अफीम गांजा और जल मुझ पे चढ़ाता है, लेकिन तू तो पूरा का पूरा मेरे ऊपर चढ़ गया। तो ऐसे विचित्र बाबा भोलेनाथ। अब जैसे ही देवताओं को लेके और दैत्य लेकर और जैसे ही गए, अच्छा मैया पार्वती पहले ही से समझ जाती है, जैसे ही देवताओं को देखती है मैया पार्वती पहले ही जान जाती है कि नाश मिटे जो कोई ना कोई विचित्र बात करने लिए आए, मुझे मेरे भोलेनाथ को ढकने के लिए आए। जैसे ही पहुंचे जाकर निवेदन किया कि आप ही समर्थमान हैं, गरल सुधा रिप करें मिटाई, गोपद सिंधु अनल सतलाई, यदि कृपा आप ही करें इस हलाहल विष को धारण करें। मैया पार्वती ने कही कि जब ताओ कम से कम कछु और व्यवस्था ले आते तो चल जाती, चलो, लेकिन तुम लाए तो केवल प्रसाद के रूप में हलाहल विष। लेकिन बाबा भोलेनाथ भी बड़े विचित्र हैं, बाबा भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, यदि आपके पास यही प्रसाद है तो वो हम लेंगे। और जैसे ही विष का पान किया, अब जैसे ही कंठ में पहुंचा विष, तो कंठ से नीचे उतार नहीं सकते थे, क्योंकि अंदर हृदय में वो राम बैठे हुए हैं उनके आराध्य।
तो अब ऊपर यदि निकलते हैं भवन करते हैं तो सारी पृथ्वी जलकर नष्ट हो जाएगी, सृष्टि में प्रलय आ जाएगी, अंत में बाबा भोलेनाथ ने उस हल विष को इस कंठ में ही धारण कर लिया, उनका नाम पड़ा नीलकंठ भगवान। बोले नीलकंठ भगवान की। लेकिन मैया पार्वती एक ही बात कहती, तुमने बहुत बड़ी गलती की। अरे पिया ओ पिया ओ पिया, तुमने हला हल क्यों पिया। हम तुमसे एक ही निवेदन कर रही थी कि तुम्हें यह पीना नहीं था, तुम्हारी ग्रीवा बिल्कुल नीली पड़ गई। लेकिन बाबा भोलेनाथ ने कृपा की, नहीं ऐसी बात नहीं है देवी, इनका आश्रय तो हम ही हैं, जब इनका कोई नहीं है तब हमें। और बाबा भोलेनाथ भी बड़े विचित्र हैं क्या, आप ध्यान से देख लो, देवता ने या देवता भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु भगवान ने या वामन भगवान, जितने भी भगवान हुए 24 अवतार में, ये बता दो भोलेनाथ के अलावा किसी ने भूतों को बरायत कराई है, नहीं कराई। अब बताओ बाबा भोलेनाथ कैसे हैं, एक बार भूत भी पहुंच गए बाबा भोलेनाथ के पास, हाथ से जोड़ के प्रार्थना करने, कहने लगे कि प्रभु हम पे कृपा करो। बाबा भोलेनाथ बोले क्या बात है, क्या बात है बच्चे, तुम क्या क्या परेशानी आपकी। कि परेशानी प्रभु जय भूतों से कहा, भूत अपनी बात कहने लगे कि जैसे ही जिस घर में हम जाएं, जहां भी जाते हैं तो वो आदमी जाता है भगत ही कराता है, भगत ही कराने के बाद एक सीसी में हमें बंद करवाए के चौराहे में गड़वाए देते। तो हम बड़े परेशान हैं भूतों ने कहा। बाबा भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, तुम ऐसा करो वहां से त्याग पत्र दो, हमारे यहाँ आ जाओ, अपनी सेना में भर्ती कर लिया। सांप गए, सांप ने कहा प्रभु हम यदि जाते हैं तो हमें कोई भी देखता है तो मेरा ले दे छड में ही फन कुचल के हमें खत्म कर देते हैं। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, तुम भी हमारे पास आ जाओ। गले में धारण कर लिया, बिच्छू ततैया नाना प्रकार की सृष्टि ऐसी विचित्र है इनकी, इन्होंने जो भी थे इन्होंने निवेदन किया बाबा भोलेनाथ से। बाबा भोलेनाथ ने कहा कोई शरण तुम्हें दे न दे, लेकिन हम तुम्हें अपनी शरण लेते हैं। बोलिए बाबा भोलेनाथ की। पिया ओ पिया ओ पिया,